अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इक्वेशंस क्या होती हैं और किस तरीके से डालते हैं। सबसे पहले हम अपने कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम क्विक पार्ट्स पर बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बिल्ट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स और उसके बाद हम कवर पेजेस पर भी आ गए थे, ठीक है। आज और आज हम बात करेंगे इक्वेशंस की। सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में बता दूंगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग इक्वेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो आप लोगों को पता है कि अमूमन साइंस के ज़्यादा जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मेडिकल साइंसेज या उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज हो गई या बाकी मैथमेटिक्स हो गई, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, बायोलॉजी वगैरह, तो उसमें आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा हमारी जो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो आपको इक्वेशंस थोड़ी बहुत यूज़ करनी पड़ती है। रियल लाइफ में भी कॉमन सेंस की कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ हम इक्वेटिक इक्वेशन यूज़ करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सारे अमल में आपने देखा है कि हम बहुत सारे चीज़ों में अपने मैथ को या इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो टेक्निकल किस्म की और अगर इक्वेशंस डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि इक्वेशंस किस तरीके से डालेंगे। बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आप लोगों को डाल के दिखाऊँगा और वैसे भी आप लोगों को डाल के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, वर्ड की एक को डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इक्वेशंस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशंस ओपन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे जड़ में, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हम जाएंगे बेसिक क्विक पार्ट्स में, यहाँ क्विक पार्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। इसके अंदर आप जो है जो चीज़ें हैं सबको सॉर्ट कर लें गैलरी वाइज, ठीक है। गैलरी वाइज जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो ई पर हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, ट्रिगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वन, ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक ट्रिगर आइडेंटिटी टू, और उसके बाद टेलर एक्सपेंशन है, ठीक है, जो कि अमूमन न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत बड़ा है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल ये अमूमन आप लोगों का रियल लाइफ में भी और अमूमन बेसिक मैथ में भी बहुत ज़्यादा, बायनोमियल थ्योरम हो गया, पाइथागोरियन थ्योरम हो गया, फोरियर सीरीज हो गया, एक्सपेंशन ऑफ सम वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चंस कुछ बिल्ट इन पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक्सपेंशन ऑफ द सम की कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सपेंशन ऑफ द सम है, तो इसके बाद मैं यहाँ एक्सपेंशन ऑफ द सम सम इनटू वन प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन, ठीक है, ये मैं करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ सम आ गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जैसे ही हमारी एक्सपेंशन खुली है उसके बाद डिज़ाइन का टैब खुल गया, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंशन के साइन और बहुत सारी चीज़ें आ गई, फ्रैक्शन वगैरह या स्क्रिप्ट वगैरह और ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक तरीके का, ठीक है। अब इसके बाद मैं दो मर्तबा एंटर करके नीचे ब्लैंक स्पेसेस डालता हूँ, इसके बाद कोई और इक्वेशन डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस मतलब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ऑर्गेनाइजर से एरिया ऑफ द सर्कल की डाल लेता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ गैलरी वाइज करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद इक्वेशन में से इक्वेशन में जाता हूँ, ठीक है, और एरिया ऑफ द सर्कल को करता जाऊँगा। तो ये देखें हमारी इक्वेशन डाल गई एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन एरिया ऑफ द सर्कल की, यहाँ तक तो हमने बात की थी इसकी। इसके अलावा भी कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ, दोबारा जाता हूँ क्विक पार्ट्स में जाता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम इक्वेशन में जाएंगे और इसके अंदर हम इक्वेशन में देखेंगे बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ये वाली इक्वेशन भी आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इक्वेशन डालते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, इंसर्ट में जाएँ और यहाँ इक्वेशन का साइन आ रहा है, कोई एक इक्वेशन डाल लें, फोरियर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, या इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इंसर्ट न्यू इक्वेशन करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। फ्रैक्शन में अगर आपने लिखना है तो जैसे 3/4 लिखना है तो यहाँ ऊपर वाले को बॉक्स को टैप करेंगे, 3 लिख देंगे, नीचे वाले को टैप करके 4 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन का तरीकेकार। इसके अलावा भी हम इस तरह कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है, और इक्वेशन के अंदर हम मोर इक्वेशंस फ्राम ऑफिस की ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, गॉसियन या फ्रैक्शनल या बहुत सारी आपको पहली से बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ मैं चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये एक किस्म के आपके लिए चीटिंग का भी दे सकता है। अगर आप कोई ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से फोरियर सीरीज लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई कस्टम से बनानी है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, क्वेश्चन में जाकर इंसर्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है,
तो इसके अंदर हम ब्रैकेट्स भी पढ़ी होती हैं, फ्रैक्शंस पढ़ी होती हैं, ठीक है, फंक्शंस पढ़े होते हैं, सॉरी फ्रैक्शन तो इस साइड पर रह गया, स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा रेडिकल हैं, इंटेग्रल वगैरह वगैरह, यानी ये इस तरीके से मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स आप डाल सकते हैं, ये देखें मैट्रिक्स है 1 2 3 वगैरह वगैरह, यानी इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के अंदर भी डाल सकते हैं चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको क्लिक करके यहाँ से सेव एज न्यू इक्वेशन, प्रोफेशनल, लीनियर वगैरह वगैरह, और जस्टिफिकेशन सेंटर या जो कुछ आपने करना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने डिलीट कर दी है। तो इस सारी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से हम अपनी इक्वेशन डालते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से अपने बिल्डिंग ब्लॉक के अलावा इंसर्ट की मदद से इक्वेशन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर कोई हमने नया सिंबल डालना है या कोई चीज़ डालनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मदद से हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम नई किस्म के डाल सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था हमारे क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि कुछ और किस्म की फील्ड्स डालने सीखेंगे, ठीक है, डेट एंड टाइम या कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।